गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम पीएससी पार्ट सेकंड की जो हमारी क्लास है उसके अंदर जूलॉजी का फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं बच्चों, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इनवर्टिब्रेट टाइप्स। और उसके अंदर जो जंतु हम स्टडी कर रहे हैं उस जंतु का नाम है सीपिया। ओके, देखिए पिछली क्लासेस के अंदर हम लोगों ने सीपिया का जो जनरल कैरेक्टर्स है, उसका स्ट्रक्चर, ओके, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सिस्टम्स हम पिछली कक्षाओं के अंदर पढ़ चुके हैं। सीपिया जिसको हम कटल फिश के नाम से भी जानते हैं, मोलस्का फाइलम की क्लास सिफेलोपोडा का ये मेंबर है। ओके, तो आज हम जो क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं सीपिया का नर्वस सिस्टम। ओके, नर्वस सिस्टम ऑफ सीपिया। देखिए जो सीपिया जंतु होता है आप लोगों को पता है समुद्री आवास में रहता है ये, और इसके अंदर जो नर्वस सिस्टम पाया जाता है वो वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम इसके अंदर पाया जाता है। ओके, किस प्रकार का होता है? हाईली डेवलप्ड सुविकसित प्रकार का तंत्रिका तंत्र होता है। वेरियस प्रकार के नर्व गैलिया से तंत्रिका तंत्र बना हुआ रहता है, और सीपिया के अंदर जो ये वेरियस टाइप्स ऑफ जो गैलिया होते हैं बच्चों, ये एग्रीगेट रहते हैं कहाँ पे? अधिकांश हेड रीजन के अंदर। ओके, और ये गैलिया जो है इसोफेगस के चारों ओर अपनी नर्व्स जो के द्वारा आपस के अंदर जुड़े रहते हैं, और एक कार्टिलेजिनस क्रेनियम के अंदर ये प्रोटेक्टेड या सुरक्षित रहते हैं। ओके, किन किन से बने हुए होता है नर्वस सिस्टम के पार्ट्स यदि हम देखें कौन कौन से गैंग्लिया इसके अंदर पाए जाते हैं, तो सीपिया के अंदर सेरिब्रल गैंग्लिया, इनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, सेरिब्रल गैंग्लिया, सुपर बक्कल गैंग्लिया, इंफीरियर बक्कल गैंग्लिया इसके अंदर पाए जाते हैं, प्लूरो विसरल गैंग्लिया और पैडल गैंग्लिया, और इनसे निकलने वाली अनेक प्रकार की जो नर्व्स है इनके इन सब से मिलकर सीपिया का नर्वस सिस्टम बनता है। ओके, चले आगे। अब सबसे पहले हम बात करेंगे सेरिब्रल गैंग्लिया की। देखिए जंतु के अंदर एक जोड़ी सेरिब्रल गैंग्लिया पाए जाते हैं। कहाँ पाया जाता है ये सेरिब्रल गैंग्लिया? ये जो जंतु के आहार नाल का इसोफेगस जो रीजन होता है बच्चों, उसकी डॉर्सल सतह पर एक जोड़ी सेरिब्रल गैंग्लिया आपस के अंदर फ्यूज्ड होकर क्या बनाते हैं? एक राउंड मास बनाते हैं, एक गोलाकार संरचना बनाते हैं जो कि इसोफेगस के डॉर्सल साइड के अंदर सिचुएटेड रहती है। ओके, एंटीरियरली यदि हम देखें तो ये जो गोलाकार मास सेरिब्रल गैंग्लियों का है, गैंग्लिया का जो है वो एक टफ मेम्ब्रेनस मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड रहता है। ओके, और ये इससे वन पेयर ऑफ थिक बेल्ट लाइक नर्व्स जो कि इसोफेगस के चारों तरफ पाई जाती है, इस बेल्ट लाइक नर्व्स के द्वारा सेरिब्रल गैंग्लिया जो है प्लूरो विसरल गैंग्लिया के साथ कनेक्ट रहता है। ओके, देखिए जो प्रत्येक सेरिब्रल गैंग्लिया है ना बच्चों, उससे एक ऑप्टिक नर्व अराइज होती है। ओके, और ये ऑप्टिक नर्व थोड़ा आगे चलकर फैल जाती है, इसके अंदर ये आगे चलकर फैल कर क्या बनाती है? ऑप्टिक गैंग्लिया बनाती है। ओके, और इस ऑप्टिक गैंग्लिया जो है, ऑप्टिक नर्व कहाँ पे इनर्वेट करती है? इस पोर्शन को जो आईज जंतु के अंदर पाई जाती है वहां पे तंत्रिका सप्लाई करने का कार्य करती है। इसके अलावा सेरिब्रल गैंग्लिया जो है उससे एक स्टेटोस्टिक नर्व निकलती है एक जोड़ी, जो कि इनर्वेट करती है किसको? स्टेटोसिस्ट को, तंत्रिका पहुंचाती है। इसके अलावा देखिए जो इसका ऑप्टिक गैंग्लिया है बच्चों, उस ऑप्टिक गैंग्लिया की सतह पर एक जोड़ी ऑल्फैक्टरी गैंग्लिया भी यहाँ पे सिचुएटेड रहते हैं। ओके, और एक बक्कल कनेक्टिव या सेरिब्रो सुपीरियर बक्कल कनेक्टिव के द्वारा ये जो बक्कल मास के डॉर्सल सरफेस पे जो सुपीरियर बक्कल गैंग्लिया है उसके द्वारा सेरिब्रल गैंग्लिया कनेक्ट रहता है। ओके, अब हम बात करें सुपीरियर बक्कल गैंग्लिया क्या है। ओके, देखिए सुपीरियर बक्कल जो गैंग्लिया है वो भी जो है एक जोड़ी पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये जो हमारा डॉर्सल, जो हमारा बक्कल मास है उसके डॉर्सल सतह पर ये स्थित होता है, और ये जो सुपीरियर बक्कल गैंग्लिया है
वो कनेक्ट रहता है किसके द्वारा, सेरिब्रो सुपीरियर बक्कल कनेक्टिव, जिसको हम सेरिब्रो बक्कल कनेक्टिव भी कहते हैं, उसके द्वारा ये सेरिब्रल गैंग्लिया से कनेक्टेड रहता है और एक सर्कम ईसोफेजियल कनेक्टिव, सर्कम ईसोफेजियल कनेक्टिव के द्वारा ये जो बक्कल मास है, बक्कल मास के नीचे स्थित एक अन्य गैंग्लिया जिसको हम इंफीरियर बक्कल गैंग्लिया कहते हैं, उसके द्वारा उससे ये कनेक्ट रहता है। ओके, तो इंफीरियर बक्कल गैंग्लिया देखिए हम, ये भी क्या है, ए पेयर ऑफ स्मॉल क्लोजली यूनाइटेड गैंग्लिया है, एक जुड़े गैंग्लिया होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, डॉर्सल सरफेस ऑफ द इसोफेगस एंड जस्ट पोस्टीरियर टू द सुपीरियर बक्कल गैंग्लिया। ओके, जैसे मैंने भी बताया, इस सुपीरियर बक्कल गैंग्लिया से कनेक्टेड रहते हैं इंफीरियर बक्कल गैंग्लिया, किसके द्वारा, सिलेंडर कनेक्टिव, जो क्या कहलाता है, सर्कम इसोफेजियल कनेक्टिव। ओके, देखिए जो ये सुपीरियर बक्कल गैंग्लिया है बच्चों, ये सिंपैथेटिक नर्व्स प्रोवाइड करता है। ओके, इस सुपीरियर बक्कल गैंग्लिया से सिंपैथेटिक नर्व्स अराइज होती है और ये सिंपैथेटिक नर्व्स जो होती हैं एक लूप के रूप में होती हैं, जो कि ईसोफेगस के साथ साथ नीचे की तरफ बढ़कर ये जो स्टमक और सीकम, जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट था, उसके बीच स्थित एक अन्य गैंग्लिया विच इज नॉन एज द गैस्ट्रिक गैंग्लिया, ओके, में समाप्त होती है। ओके, और इस गैस्ट्रिक गैंग्लिया से अनेक तंत्रिकाएं निकलती हैं, जो कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट लाइक लीवर, स्टमक, सीकम और इंटेस्टाइन को नर्व्स प्रोवाइड करती हैं। ओके, चले आगे, अब हम बात करेंगे प्लूरोविसरल गैंग्लिया की। देखिए प्लूरोविसरल जो गैंग्लिया है बच्चों, वो इसोफेगस के पीछे की तरफ एक जोड़ी प्लूरोविसरल गैंग्लिया पाए जाते हैं, जो कि फुट के पास के अंदर नियर द फुट एक गैंग्लियोनिक मास बनाते हैं। ओके, ये जो प्लूरोविसरल गैंग्लियोनिक मास, जिसको हम कहे दो प्रकार के गैंग्लिया से बना है, जिसके अंदर एक प्लूरल गैंग्लिया और जो कहाँ होता है, ऑन द लेटरल साइड ऑफ द इसोफेगस, ओके, और विसरल गैंग्लिया, इन दोनों गैंग्लिया के फ्यूजन से बनता है। ओके, और इस इन गैंग्लियास के द्वारा दो जोड़ी नर्व्स जो होती हैं वो अराइज होती हैं। ओके, एक जोड़ी विसरल नर्व्स अराइज होती है फ्रॉम द विसरल गैंग्लिया, जो कि ब्रांचेस, नर्व्स की ब्रांचेस भेजती है कहाँ पे, जो जंतु के विसरल ऑर्गन्स होते हैं वहां पे जंतु को नर्व सप्लाई करने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। ओके, इसके अलावा विसरल जो गैंग्लिया है उसी से एक जोड़ी ब्रैंकियल नर्व्स भी अराइज होती हैं। ओके, कौन सी, ब्रैंकियल नर्व्स, जो कि आगे चलकर एक थिक ब्रैंकियल गैंग्लिया बनाती है, कहाँ पे, एट द बेस ऑफ द गिल, जो टीनिडिया थे उसके आधार पर एक ब्रैंकियल गैंग्लिया के रूप में चलती है ये आगे, और आगे चलकर ये जो है वो टीनिडिया या गिल्स को नर्व सप्लाई करने का कार्य करती है। इसके अलावा प्लूरोविसरल गैंग्लिया से दो स्टाउट पेलियर नर्व्स भी अराइज होती हैं, एक जोड़ी पेलियर नर्व्स। ओके, ये जो पेलियर नर्व्स होती हैं बच्चों, ये क्या करती है, जंतु का जो मेंटल होता है वहां पे ब्लड सप्लाई, सॉरी नर्व सप्लाई करने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। ओके, देखिए जो ये, इनको हम प्रावार तंत्रिकाएं भी कहते हैं, ये जो पेलियर नर्व्स है वो क्या होती है, ये नर्व्स जो नेक रीजन है जंतु का, ओके, नेक रीजन से नीचे की तरफ चलते हुए ये जो मेंटल कैविटी की जो भीतरी सतह होती है बच्चों, जो इनर सरफेस है मेंटल कैविटी का, वहां पर ये पेलियर नर्व्स एक जोड़ी लार्ज फ्लैट पेलियर या स्टीलेट गैंग्लिया के रूप में समाप्त होती हैं। ओके, कहाँ पे, और ये जो स्टीलेट गैंग्लिया है बच्चों, ये किस प्रकार का होता है, ये एक ट्रायंगुलर शेप का एक तारे नुमा संरचना होती है, गैंग्लियोनिक मास होता है, ये गैंग्लिया होता है जिसको स्टीलेट गैंग्लिया,
कहते हैं, और जैसे ही मेंटल कैविटी जब खोलते हैं तो ये टीडिया के सामने ये जो है वो गैंग्लिया पाया जाता है। ओके, इस स्टीडियल गैंग्लिया से वेरियस टाइप्स ऑफ नर्व्स जो है वो अराइज होती है, जो कि मेंटल के डिफरेंट पार्ट्स को नर्व सप्लाई करने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। ओके, देखिए स्टीलेट जो गैंग्लिया है, जो पेरियल नर्व्स थी वो अपने बाहर की तरफ स्टीलेट गैंग्लिया बनाती है, और स्टीलेट गैंग्लिया से और वेरियस तंत्रिकाएं निकल के मेंटल का जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं वहां पे नर्व सप्लाई करने का कार्य करती है, और जो इसकी भीतरी सतह है, भीतरी जो शाखा है पेरियल नर्व्स की, वो जो शाखित तंत्रिकाओं के रूप में जो जंतु के लेटरल साइड के अंदर जो फिन्स उपस्थित होते हैं वहां पे नर्व सप्लाई करने का कार्य करती है। ओके, अब हम बात करेंगे पैडल गैंग्लिया की। देखिए जो ईसोफेगस, जंतु का जो ईसोफेगस है, ईसोफेगस के नीचे की तरफ एक जो है सब ईसोफेजियल गैंग्लियोनिक मास पाया जाता है। ओके, ये सब ईसोफेजियल गैंग्लियोनिक मास जो है बच्चों वो दो भागों में बटा होता है। कौन कौन से भाग? एंटीरियरली यदि हम देखें तो वहां पे उसके अंदर होता है ब्रैकियल गैंग्लिया। ओके, और नीचे की तरफ पोस्टीरियरली इसमें अनदर गैंग्लिया पाया जाता है, दैट इज पैडल गैंग्लिया। ओके, ये जैसे मैंने बताया पैडल गैंग्लिया जो है ईसोफेगस के नीचे की तरफ पाए जाते हैं ये गैंग्लिया, ब्रैकियल गैंग्लिया और पैडल गैंग्लिया। ओके, ब्रैकियल गैंग्लिया जो होते हैं बच्चों, इस ब्रैकियल गैंग्लिया से निकलती है क्या 10 ब्रैकियल नर्व्स, जो कि संबंधित आर्म्स के अंदर, जैसे आप लोगों को पता है सीपीआर के अंदर कितनी आर्म्स पाई जाती है, 5 जोड़ी इसके अंदर आर्म्स पाई जाती है, जिसमें से 4 जोड़ी ओरल आर्म्स कहलाती है एंड 1 जोड़ी जो है वो टेंटिकल्स के रूप में होती है। ओके, तो इस प्रकार 5 जोड़ी जो आर्म्स है वहां पे नर्व सप्लाई करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? 10 ब्रैकियल नर्व्स के द्वारा। ओके, और 1 पेयर ऑफ नर्व्स जो कि पैडल गैंग्लिया से अराइज होती है वो जंतु का जो फनल पार्ट है, ओके, वेंट्रल सरफेस पे एंटीरियर रीजन के अंदर फनल जो पार्ट था वहां पे पैडल गैंग्लिया के द्वारा नर्व सप्लाई करने का कार्य किया जाता है। ओके, तो ये समझ में आ गया आप लोगों को नर्वस सिस्टम सीपीआर का। अब देखिए हम यही डायग्राम देख रहे हैं, अभी हमने बात करी थी ब्रेकियल नर्व्स की। ओके, तो देखिए ये जो आपको यहाँ पे नर्व्स दिखाई दे रही हैं, ये क्या है? दीज आर द ब्रेकियल नर्व्स। ओके, जो कि आगे जो तंतु के मुंह के चारों ओर ओरल आर्म्स, 10 ओरल आर्म्स जो है वहां पर नर्व सप्लाई करने का कार्य करती है। ओके, और ये जो ब्रेकियल नर्व्स होती हैं वो चारों तरफ से एक रिंग कनेक्टिव के द्वारा आपस के अंदर जुड़ी हुई रहती है। ओके, सबसे पहले हम बात करें, देखिए इस स्ट्रक्चर के अंदर सेरिब्रल गैंग्लिया की शुरुआत में हमने क्या पढ़ा था? सेरिब्रल गैंग्लिया पढ़ा। ओके, सेरिब्रल गैंग्लिया कौन सा पार्ट है? ये जो ईसोफेगस के पृष्ठ सतह पर स्थित होता है, तो एक जोड़ी सेरिब्रल गैंग्लिया आपस के अंदर फ्यूज होकर राउंड स्ट्रक्चर बनाते हैं जो क्या कहलाता है? सेरिब्रल गैंग्लियन कहलाते हैं। ओके, ये सेरिब्रल गैंग्लियन्स जो है बच्चों वो उनसे क्या निकलती है? ऑप्टिक नर्व निकलती है जो आगे की तरफ फैल के क्या बनाती है? ये बनाती है क्या? ऑप्टिक गैंग्लिया। ओके, और ये ऑप्टिक गैंग्लिया तंत्रिकाओं के द्वारा किसको इनर्वेट करता है? जो ये आईज रीजन है इसको इनर्वेट इसके द्वारा किया जाता है। ओके, अब ईसोफेगस से आगे की तरफ यदि चले तो बक्कल मास जो है उसके डॉर्सल साइड पर एक सुपीरियर बक्कल गैंग्लिया सिचुएटेड होता है। दिस इज द सुपीरियर बक्कल गैंग्लिया सिचुएटेड होता है। ठीक है, जो सेरिब्रल गैंग्लिया है ये सेरिब्रो बक्कल कनेक्टिव के द्वारा सुपीरियर बक्कल गैंग्लिया के साथ में कनेक्ट रहता है। ओके, चले आगे। और ये सुपीरियर बक्कल गैंग्लिया जो कि सिंपैथेटिक नर्व्स जो है गैस्ट्रिक गैंग्लिया को प्रोवाइड करता है, जो कि एलिमेंट्री कैनाल की वेरियस पार्ट्स के अंदर अपना नर्व सप्लाई करती है। ओके, अब यदि हम नीचे की तरफ चले तो नीचे का ईसोफेगस के पीछे की तरफ क्या पाया जाता है बच्चों? देयर इज अ गैंग्लियोनिक मास के रूप में प्लूरोविस्टल गैंग्लिया पाया जाता है। ओके,
ये प्लूरो विसरल गैंग्लिया क्या करता है, दो दो गैंग्लिया से मिलकर बनी हुई संरचना है प्लूरल गैंग्लिया और विसरल गैंग्लिया। इसमें विसरल गैंग्लिया से बच्चों क्या निकलती है, विसरल नर्व निकलती है। और देखिए अब यदि आगे चले इस डायग्राम के अंदर, दिस इज द विसरल नर्व। ओके ये क्या है, विसरल नर्व है। ओके और ये विसरल नर्व जो है वो बॉडी के जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं वहां पे नर्व सप्लाई करने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसी विसरल नर्व से जो है एक जोड़ी ब्रैंकियल नर्व्स जो है वो अराइज होती हैं। ये ब्रैंकियल जो है नर्व है जो आगे चलकर एक गैंग्लियोनिक संरचना में समाप्त होती है जो क्या कहलाता है, ब्रैंकियल गैंग्लिया कहलाता है। और ये नर्व जो है अपनी दोनों साइड के जो टीनिडिया है या जो गिल्स है वहां पे नर्व सप्लाई करने का कार्य करती है। ओके दूसरा हमने अभी पढ़ा था सुपीरियर बक्कल गैंग्लिया। देखिए सुपीरियर बक्कल गैंग्लिया से मैंने कहा सिंपैथेटिक नर्व अराइज होती है, दिस इज द सिंपैथेटिक नर्व। ओके और ये सिंपैथेटिक नर्व जो है वो कहां पर, स्टमक और हमारा सीकम के बीच के अंदर एक गैंग्लिया स्थित होता है जिसको हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक गैंग्लिया। वहां पर समाप्त होती है जो कि एलिमेंट्री कैनाल की वेरियस पार्ट्स को ब्लड नर्व सप्लाई करने का कार्य करते हैं। ओके अब हम बात करेंगे स्टीलेट गैंग्लिया की। स्टीलेट गैंग्लिया जो कि किससे किससे बन रहा है, पैलियर नर्व से, जो प्लूरो विसरल गैंग्लिया से निकलने वाली है एक अन्य नर्व जिसको हम क्या कहते हैं, दिस इज द पैलियर नर्व। ये पैलियर नर्व जो है वो नेक के नीचे की तरफ पहुंच के क्या करती है, जो मेंटल की जो वॉल है, जो इनर वॉल है वहां पर ये दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है। ओके कौन कौन से शाखाओं में विभक्त हो जाती है, ये देखिए दो शाखाओं के अंदर ये पैलियर नर्व विभक्त हो जाती है। इसके अंदर ये पैलियर नर्व जो है इसकी जो बाहरी शाखा है यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ये इस प्रकार का जो है वो गैंग्लिया बनाती है। ओके ये ट्रायंगुलर गैंग्लिया होता है एक प्रकार का जिसको हम क्या कहते हैं, स्टीलेट गैंग्लिया कहते हैं। ओके और इस स्टीलेट गैंग्लिया की बाहरी सतह से अनेक ये जो शाखाएं दिख रही है, तंत्रिकाएं दिख रही है, ये मेंटल की वेरियस पार्ट्स को नर्व सप्लाई करती है। ओके और इसकी जो बाहरी शाखा है, दूसरी जो शाखा है ब्रांच है पैलियर नर्व उसकी, वो वहां से तंत्रिकाएं निकलती हैं जो कि किसको नर्व सप्लाई करती है, जो फिन्स होती है जंतु की लेटरल फिन्स, वहां पे नर्व सप्लाई करने का कार्य किया जाता है। ओके तो ये नर्वस सिस्टम का पार्ट है। और यदि हम एंटीरियर रीजन के अंदर देखें, अभी हमने बताया था कि हेड रीजन जो है वहां पे एग्रीगेट रहता है, इनका जो गैंग्लियोस होते हैं वो वहां एग्रीगेट रहते हैं। तो दिस इज द एनलार्ज व्यू ऑफ द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम ऑफ सीपिया। इसके अंदर आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं दीज आर द ब्रेकियल नर्व्स आपको दिखाई दे रही है जो कहां जाती है, हमारे जो जंतु की ओरल आर्म्स है वहां पर ये नर्व सप्लाई करती है। चारों तरफ ये जो ब्रेकियल नर्व्स है, ये ब्रेकियल जो गैंग्लिया है वो रिंग कमीशन के द्वारा ये नर्व्स आपस के अंदर जुड़ी हुई रहती है। ओके ये हमारा यहाँ पे सेरिब्रल गैंग्लिया जो कि एक राउंड मास के रूप के अंदर होता है, इसके आगे की तरफ जो बक्कल मास है उसकी डॉर्सल सतह पर क्या पाया जाता है, सुपीरियर बक्कल गैंग्लिया। सेरिब्रल गैंग्लिया के सेरिब्रो बक्कल कनेक्टिव के द्वारा ये सुपीरियर बक्कल गैंग्लिया से जुड़ा हुआ रहता है। और ये सुपीरियर बक्कल गैंग्लिया जो है इसके पोस्टीरियर पार्ट के अंदर एक अन्य गैंग्लिया जिसको हम इंफीरियर बक्कल गैंग्लिया कहते हैं बच्चों, उससे ये जुड़ा हुआ रहता है। किसके द्वारा, दिस इज द सर्कमइसोफेजियल कनेक्टिव के द्वारा। ओके सेरिब्रल गैंग्लिया से कौन अराइज हो रहा है, सेरिब्रल गैंग्लिया से जो है वो ऑप्टिक नर्व अराइज होती है जो आगे चलकर एक ऑप्टिक गैंग्लिया बनाती है। ओके और एक स्टेटोसिस्ट नर्व सेरिब्रल गैंग्लिया से निकलती है जो कि स्टेटोसिस्ट को नर्व सप्लाई करने का कार्य करती है। ओके तो ये प्रॉक्सिमल पार्ट जो है वो नर्वस सिस्टम का यहाँ पे आपका दर्शाया गया है। ओके तो ये आज हमने जंतु का तंत्रिका तंत्र कंप्लीट किया है। थैंक यू।